हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलटीएस इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेमस पोइट मैथ्यू आनंद की पोएम डोवर बीच की। फ्रेंड्स, मैथ्यू आनंद एक पोइट और कल्चरल क्रिटिक थे। उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 में और उनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 1888 में। उनके फेमस वर्क में डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थायरसिस, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा, ये सभी शामिल हैं। डोवर बीच एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक स्पीकर होता है, लिसनर होता है। लिसनर एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। डोवर बीच एक जगह का नाम है जहाँ एक बीच है। फ्रेंड्स, डोवर बीच को 1867 में पब्लिश कराया गया था। मैथ्यू आनंद की पोइट्री कलेक्शन थी जिसका नाम था न्यू पोएम्स, उसमें इसे पब्लिश कराया गया। फ्रेंड्स, इस पोएम में 4 स्टैंजा, टोटल 37 लाइन्स हैं। इस पोएम को मैथ्यू आनंद ने फ्री वर्ड्स में लिखा है। इसके अंदर कोई भी मीटर, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। द सी इज़ काम टू नाइट। रात का टाइम है और समुद्र एकदम शांत लग रहे हैं। द टाइड इज़ फुल और समुद्र में टाइड फुल है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट। यहाँ पर मून लाइज फेयर का मतलब है दोस्तों, चांद खूबसूरत दिख रहा है और उसकी रोशनी स्ट्रेट पर पड़ रही। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन। और सामने की तरफ फ्रेंच कोस्ट के किनारे पर एक लाइट ग्लीम करती है, यानी चमकती है और अचानक से गायब हो जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। और फिर पोइट इंग्लैंड की पहाड़ी की तरफ देखता है जहाँ पर वो खुद खड़ा है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, वो पहाड़ियाँ चांद की रोशनी से चमक रही हैं। आउट इन द ट्रैंक्वल, जो इस शांत खाड़ी में है। दोस्तों, ट्रैंक्वल का मतलब शांत होता है और बे का मतलब खाड़ी। कम टू द विंडो, कोई उनके साथ है जिसे वो खिड़की पर बुला रहे हैं। कम टू द विंडो। स्वीट इन द नाइट एयर, देखो ये हवा रात के टाइम पर कितनी शांत और स्वीट है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, यहाँ पर समुद्र की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं वहाँ पर जो लाइन बनी हुई है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो एक स्प्रे लाइन सी बनती है, पोइट उसी को इशारा कर रहे हैं। वेयर द सी मीट द मून ब्लांच लैंड, पर समुद्र मून ब्लांच लैंड से मिल रहा है। ब्लांच लैंड का मतलब है सफ़ेद कर देना। आगे बोलते हैं लिसन, सुनो। पोइट के साथ कोई है, पोइट उसे कह रहे हैं सुनो। यू हियर द ग्रैटिंग रोड, घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ग्रैटिंग का मतलब होता है घिसना, जैसे कोई पत्थर घिस रहा हो उसकी आवाज़। पोइट आगे बोल भी देते हैं ऑफ पेबल्स, ग्रैटिंग रोड ऑफ पेबल्स, मतलब कि जो समुद्र के किनारे पत्थर पाए जाते हैं पेबल्स उन्हें कहते हैं। विच द वेव्स ड्रो बैक एंड फ्लिंग, जिसे लहरें अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और फिर वापस उन्हें लाकर फेंक देती हैं। द रिटर्न अप द हाई स्ट्रेंड बिगन एंड सीज एंड देन अगेन बिगेन, तो लहरें इन्हें बार बार बहा कर ले जा रही हैं और वापस लाकर फेंक दे रही हैं। ऐसा बार बार होता है, वहीं से ये आवाज़ आ रही है। टू ट्रेमलेस कैडेंस स्लो, ये पत्थर बार बार गिरते हैं तो उनसे एक कंपन उत्पन्न होता है और कैडेंस का मतलब है एक रिदम सी बन जाती है। एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, यही बार बार पत्थर के रगड़ने से एक एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस लाती है। हमारे पोएम का पहला स्टैंजा था, अब हम दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। सोफोक्लिस लॉन्ग, सोफोक्लिस एक ड्रामेटिस्ट थे, उनको पोइट कह रहे हैं। उसने भी हजारों साल पहले इट ऑन द एजन इन साउंड सुना होगा जब वो एजन सी के किनारे खड़ा होगा। एंड इट ब्राउट इन टू हिज माइंड द टर्बेड ईट एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिस्ट्री, ऐसा सेम देखकर वो ह्यूमन मिस्ट्री और इस पानी को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड द थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, हम भी इस डोवर बीच पर खड़े हुए इस साउंड ऑफ थॉट को सुन रहे हैं। सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर, ऐसे ही कभी सी ऑफ फेथ में भी टाइट थी जैसे आज इस डोवर बीच में है। नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलंकली लॉन्ग विथ ड्रॉइंग रोड, लेकिन मैं अभी भी इस पत्थर की आवाज़ को सुन रहा हूँ
जो मुझे मेलंकली फील करवा रही है। मेलंकली का मतलब उदास। फिटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, दुनिया से फेथ पीछे हट रहा है। डाउन द वास्ट एजेस डियर, मतलब किनारे से पानी हटता जा रहा है। नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और जब पानी पीछे ही हट गया है तो नेक शिंगल्स बचे, मतलब गोल गोल पत्थर जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं वो। ये हमारी पोएम का लास्ट स्टैंजा है। इसे पोइट के साथ जो है उसको पोइट कह रहे हैं, लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, हम दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रू होना चाहिए, मतलब लॉयल होना चाहिए। क्योंकि द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, क्योंकि जो वर्ल्ड दिख रहा है सामने वो लैंड ऑफ ड्रीम है। सो वैरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, बहुत सारी वैरायटीज हैं, ब्यूटीफुल है, न्यू है, लेकिन हकीकत में ये सब झूठ है, ड्रीम है। हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, और कोई जॉय है ना लव है ना लाइट है, और सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, वो किसी पे यकीन नहीं है, ना तो शांति है। अगर कोई दर्द में है तो उसके लिए यहाँ पर कोई हेल्प नहीं है। वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम भी यहीं पर हैं जहाँ पर कोई किसी का नहीं है। एक्सेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, हम ऐसे ही संसार में हैं जहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं। और इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश, जहाँ पर इग्नोरेंट आर्मीज को रात दिन लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन था। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है।